हेलो सो डियर स्टूडेंट्स, ये एटलीस और एटमॉस के कॉन्सेप्ट को सेट्स में जो हम फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेट्स कंटेनिंग एटलीस्ट टू इलेमेंट्स और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेट्स कंटेनिंग एटमोस्ट टू इलेमेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे मैंने बोला था, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जो वर्ड्स है ना, इनको पकड़ के रख लिया, इसलिए मैंने एक और वीडियो आपके लिए बनाया है। एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये वर्ड्स फर्स्ट टाइम आ रहे थे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एटलीस्ट और एटमोस्ट। अब पहले तो ये देख लीजिए, एटलीस्ट एटलीस्ट ये वर्ड्स का ये मतलब कॉमन सेंस में अगर बात करें तो मैं इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड, और मैं इतना इंटरेस्टेड हूं कि इससे कम तो मैं लूंगा ही नहीं, इतना तो मुझे चाहिए, और इससे ज्यादा अगर मिल रहा है तो ये निर्लय और अच्छी बात होगी। ये इसका एक कॉमन सेंस हो गया एटलीस्ट का। हम मैथमेटिकली जो बात करते हो तो करते ही करते, लेकिन कॉमन डेली लाइफ में एटलीस्ट का ये मीनिंग है कि नहीं भाई, मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, अगर इससे ज्यादा मिलता है तो और अच्छी बात है, मैं तो इससे और भी ज्यादा लेना चाहता हूँ। मतलब ये हो गया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। और थे एटमोस्ट के ऊपर, एटमोस्ट ये वर्ड का ये मतलब हुआ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। यहां मैंने बोला इंटरेस्टेड और यहां नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड मतलब क्या है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या है, मजबूरी में मैं कुछ चीजों को बियर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू गिव लिफ्ट टू एनीबडी, मेरे पास में सीट अवेलेबल है लेकिन मैं किसी को लिफ्ट देना नहीं चाहता। अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बोलेगा नहीं भाई, आप इनको तो बिठा के ले जाइए, तो मेरा इंटरेस्ट तो है नहीं, तो मेरे पास में इंटरेस्ट है नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 लोगों को ले जा सकता था लेकिन 10 को नहीं, मैं बोलूँगा नहीं भाई, मैक्सिमम 2 लोगों को ही मैं ले जा सकता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है 2 लोगों को मैं बिठा सकता हूँ, हालांकि मैं बिठा सकता हूँ 10 लोगों को, लेकिन मेरा इंटरेस्ट चूंकि है नहीं, पर ठीक है थोड़ा हेल्प कर ही देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा मैं एक लिमिटेशन बना दूंगा, इतने लोगों को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एटमोस्ट का मतलब हो गया नॉट इंटरेस्टेड और एटलीस्ट का मतलब हो गया इंटरेस्टेड। तो ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे थ्रू आउट 2 ईयर्स के कोर्स में आपको ये बार बार क्वेश्चन में मिलेंगे, और इन्हीं वे में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं सबसेट्स में। तो सबसेट्स में जैसे मैंने बोला था कि ये ए इज इक्वल टू ए बी और सी है, ठीक है। सो फाइंड दी नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कंटेन्स दो क्वेश्चन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स और दूसरा एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स एंड एटमोस्ट 2 एलिमेंट, दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिख देते हैं, ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 5 सिंगलटन सेट, 3 सिंगलटन सेट बनेंगे, फिर पेयर सेट बनेंगे ए बी ए सी और बी सी और फिर ये सेट ए बी और सी, ठीक है। 3 होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट को अगर एक सेट में डाल देते हैं तो ये हो जाता है पावर सेट ऑफ सेट ए, इसको हम बोलते हैं पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, सो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए। तो व्हाट इज पी ऑफ ए, दैट पी ऑफ ए रिप्रेजेंटिंग द पावर सेट ऑफ ए, कोई इशू नहीं, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट, करेक्ट है, ये तो बात होगी, ठीक है सर, इसको हटाओ। अब हम आते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट में। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए। नाउ आई फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम इंटरेस्टेड इन दो सेट दैट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, एटलीस्ट एटलीस्ट को देखिए, तो कम से कम 2 एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट का मीनिंग मैंने बताया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ,
तो सबसे वो जिसमें कम से कम दो एलिमेंट्स हो या दो से ज्यादा हो, तो वो मुझे पसंद है। दो से नीचे वाले जितने भी जो सबसेट्स जिनमें कि दो से कम एलिमेंट्स है, वो तो मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। तो एक्सेप्टेड कौन नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये टोटल एक्सेप्टेड है। टू, ये भी टू है, ये भी टू है, ये थ्री है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स एटलीस्ट टू एलिमेंट्स विल बी वन टू थ्री एंड फोर। फोर होंगे। कौन कौन से सेट्स को मैंने एक्सेप्ट किया है? इसमें दो एलिमेंट्स है, इसमें दो एलिमेंट्स है, इसमें दो एलिमेंट्स है, और इसमें तीन एलिमेंट्स है। तो इनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। किसको एक्सेप्ट नहीं किया? ये सिंगल एम्प्टी सेट को एक्सेप्ट नहीं किया, सिंगलटन सेट को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, एटमोस्ट टू एलिमेंट्स। जैसा मैंने बोला था, एटमोस्ट का मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं मैक्सिमम टू एलिमेंट्स वाले जो सेट्स हैं उनको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो एम्प्टी सेट एक्सेप्ट हो जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन में क्या होगा? ये एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, एटमोस्ट टू एलिमेंट्स, ये भी एक्सेप्ट हो गया। ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल तीसरा वाला ए बी सी, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एटमोस्ट टू एलिमेंट्स तक के मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब सिंगलटन भी एक्सेप्ट, सिंगलटन जितने वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, नॉन एम्प्टी एक्सेप्ट हो जाएंगे, और ये जो सेट जिनमें कि टू एलिमेंट्स है वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। थ्री एलिमेंट्स और थ्री से ज्यादा वाले तो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एटमोस्ट में टोटल कितने हो गए? फोर और थ्री सेवन, ये सेवन आंसर आ जाएगा। ये था एटलीस्ट और एटमोस्ट का एलिमेंट्स, एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट, करेक्ट। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आगे हर यूनिट्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो ये बात। फिर दूसरा, मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम एनसीआर के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, उसको हम अलग से देखेंगे। फिलहाल इसी एटलीस्ट और एटमोस को एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं। ए ले लिया मैंने 1,2। ठीक है, तो टोटल सबसेट्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल सबसेट्स ये हो जाएगा 5, 1, 2 और 1। अब ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो आंसर क्या जाएगा? ये एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड, 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 थ्री आ जाएगा, करेक्ट है। एटमोस्ट, एटमोस्ट टू एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स एटमोस्ट टू एलिमेंट। एटमोस्ट टू एलिमेंट्स, मैक्सिमम टू तक हम जो सेट जिनमें मैक्सिमम टू तक एलिमेंट्स है उनको एक्सेप्ट करेंगे, टू से ज्यादा है उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट, 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 क्योंकि यहाँ तो इतने ही, तीन एलिमेंट्स वाला कोई सेट ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई सबसेट नहीं है तीन एलिमेंट्स या तीन से ज्यादा वाला। सो हियर ऑल द सबसेट विल बी एक्सेप्टेड। सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स एटमोस्ट टू एलिमेंट्स इज फोर। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने बोला था कि इसको एनसीआर के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, क्योंकि वो आगे के चैप्टर से, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर लूँ। ठीक है, थैंक यू।